उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पिथौरागढ़ से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, बता रहे कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किया गया है रेस्क्यू। बता रहे कि रामलगांव से मुनियारी तक रेस्क्यू करके लाया गया है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। फिलहाल रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर हो चुका है, मुख्य चुनाव आयुक्त को रेस्क्यू कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रामलगांव से रेस्क्यू करके फिलहाल लाया जा चुका है। तो पिथौरागढ़ से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है, यहाँ पर इस मामले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेस्क्यू फिलहाल कर लिया गया है, मुख्य चुनाव आयुक्त को रेस्क्यू किया गया है। अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता दिग्विजय बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं देने के लिए। दिग्विजय, जिस तरीके से जानकारी फिलहाल अभी मिल पा रही है कि आयुक्त को रेस्क्यू यहाँ पर सफलतापूर्वक कर लिया है, क्या अधिक अपडेट मिल पा रही है अभी? देखिए, कल चुनाव आयुक्त जो पहाड़ के हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, लगभग 14 पोलिंग बूथों के रिसल्ट निकले थे। दिन में 1 बजे के आसपास मौसम खराब हुआ, तो उनको रालम गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वो दिल्ली से देहरादून होते हुए मालम जा रहे थे, मिलम ग्लेशियर जा रहे थे, तो वहां 1 बजे जब वो रुके थे, वो ऐसा गाँव है कि वहां ना बिजली की व्यवस्था, संचार की व्यवस्था, कोई साधन नहीं थे। उस गाँव में वो लोग रुके थे, कल रात उनको वहीं बितानी पड़ी। रोड हट से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी थी, और आज सुबह जब मौसम थोड़ा खुला तो उनको हेली से रेस्क्यू करके मुनस्यारी लाया गया है। अभी वो मुनस्यारी में अपनी टीम के साथ रुके हुए हैं। बता दें, हेली मंदिर में उनके साथ कुछ 4 लोग सवार थे, जिसमें पायलट भी शामिल था। जी, बाकी सबको रेस्क्यू कर लिया गया है? हाँ, सभी लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं। 4 लोग थे, उसमें दो एक अधिकारी उत्तराखंड से शामिल थे, एक उनके साथ दिल्ली से आए थे, और एक खुद चुनाव आयुक्त थे, साथ में उनके पायलट थे। तो 4 के 4 लोग मुनस्यारी सकुशल पहुंच चुके हैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि सीईसी को वापस लाने के लिए टीमें रवाना हुई थी, और उसके बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। रालम में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, और उसके बाद अब रेस्क्यू सफलतापूर्वक फिलहाल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, बता रहे कि थूक जिहाद में उत्तराखंड पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। डीजीपी ने राज्य के पुलिस अधीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं, बकायदा एडवाइजरी भी इसके लिए जारी की गई है। खाना बनाते समय, चाय बनाते समय ये देखा गया, किसी ने वीडियो पकड़ा था जिसमें कि जो कर्मचारी थे उसमें वो इस प्रकार की हरकत कर रहे थे, और इसको देख के निश्चित रूप से एक तो पब्लिक में बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई, लोगों में गुस्सा भी था, नाराजगी थी, और उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई, हाइजीन का भी इशू था, और इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया, और इस पर उन्होंने पुलिस विभाग को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए कि एक कार्ययोजना बना के आप लोग इस पर सख्ती से कार्रवाई करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने इसका सारे विधिक पहलुओं का अध्ययन करके कल मेरे द्वारा सभी एसपी को एक आदेश निर्गत किया गया है, और इसमें 8 बिंदुओं पर हमने कार्रवाई के लिए सभी को निर्देशित किया है, और इसमें मुख्य रूप से यही है कि एक तो वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई, दूसरा जो वहां पर जहां पर भी खाना प्रिपेयर किया जाता है या सर्व किया जाता है वहां पर कुछ ना कुछ सीसीटीवी कवरेज भी रहे, और साथ ही साथ जो वहां कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको कुछ बेसिक हाइजीन के बारे में भी, और इस प्रकार की चीजों से जो धार्मिक भावनाओं जुड़ी हुई हैं जो आहत होती हैं उस पहलू पर भी उनको कुछ ब्रीफिंग दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए। और इसमें निश्चित रूप से जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स और ढाबे वगैरह हैं उनके मैनेजर्स हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पे, इस प्रकार की गतिविधियों पे नजर रखें।